से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। प्रदेश में कोविड के हालात पर मंथन हुआ और बेकाबू कोरोना पर सीएम ने चिंता जाहिर की है। कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट बैठक में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा होगी और कल शाम 5 बजे बड़ी ओपन मीटिंग सीएम अशोक गहलोत रखेंगे, तो उस मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इस पर फैसला कल शाम को ही होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम अशोक गहलोत चूंकि बढ़ते कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है और इसी के चलते 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है सीएम आवास पर और प्रदेश में कोविड के हालात पर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया। बेकाबू कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता भी जाहिर की और कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट बैठक में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा भी होगी। कल शाम 5 बजे बड़ी ओपन मीटिंग रखेंगे सीएम अशोक गहलोत और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कई बड़े फैसले हो सकते हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू भी बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इस पर फैसला कल शाम को ही होगा। कल शाम को ही ये अपडेट आ पाएगा कि आखिर इस मीटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। लेकिन बता दें, कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति पर प्रदेश में क्या कुछ हालात है उस पर चर्चा होगी और इस मीटिंग के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इस पर फैसला कल शाम को ही होगा। मुख्यमंत्री आवास पर 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। प्रदेश में कोविड के हालात पर इस बैठक के माध्यम से मंथन किया गया, चर्चा की गई और बेकाबू कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत ने चिंता भी जाहिर की है। कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के हालातों की चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और उस मीटिंग के बाद संभावना है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर फैसला कल शाम को उस बैठक के बाद ही होगा कि क्या कुछ सीएम अशोक गहलोत ने आगे अब नए नियम बनाए हैं प्रदेश में। और सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए 3.5 घंटे तक ये बैठक चली, क्या उम्मीद है कल जब बैठक होगी उसके बाद क्या फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है? ज्योति, बिल्कुल, देखिए 3.5 घंटे की अगर मैराथन बैठक चलती है, इसका मतलब माने की जो स्थितियां है काफी गंभीर है और अगर कोरोना के संक्रमण की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अब कोरोना बेकाबू है, तो ऐसे में चिंता की लकीरें बढ़ गई है सरकार के माथे पर भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चिंतित है। कल कैबिनेट की बैठक होगी दोपहर 12 बजे जिसमें ये पूरा मुद्दा रखा जाएगा, प्रदेश की स्थिति के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद में कल शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर ओपन बैठक करेंगे जिसमें विशेषज्ञों की राय रखी जाएगी और गृह विभाग के जो अधिकारी उनकी राय रखी जाएगी और चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी उनकी राय रखी जाएगी, उसके बाद अंतिम फैसला होगा। लेकिन जो संकेत मिले हैं, ये संकेत बताते हैं कि इस महीने यानी 30 अप्रैल तक प्रदेश में अभी काफी सख्ती होगी और इस बात की संभावना है कि ये जो वीकेंड का कर्फ्यू है, इस कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो स्थितियां बनी है प्रदेश में वो बहुत खतरनाक स्थिति है। हालांकि पड़ोसी राज्यों की अगर हम तुलना करें तो उससे थोड़ी बेहतर स्थिति में राजस्थान है, चाहे वो संक्रमितों का मामला हो चाहे मौतों का मामला हो। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़े हैं, अगर आज की बात करें 9000 से अधिक मामले सामने आए हैं, राजधानी जयपुर में 1400 अधिक मामले सामने आए हैं, तो ये एक कह सकते हैं खतरे की घंटी है। तो ऐसे में अगर स्थितियां नियंत्रण में नहीं रखी गई तो फिर न सरकार के नियंत्रण में कुछ रहेगा, न चिकित्सा विभाग के नियंत्रण में कुछ रहेगा, न जनता के नियंत्रण में कुछ रहेगा। ऐसे में जो अभी वीकेंड का कर्फ्यू है, जो कि एक कह सकते हैं एक विकल्प माना गया है कि संक्रमण को रोका जाए, उसके लिए एक पहले पहल जो की गई है, इस वीकेंड का जो कर्फ्यू जो सोमवार सुबह तक का है, इसको कल बढ़ाने का फैसला हो सकता है। लेकिन फैसला कल शाम की बैठक के बाद होगा, क्योंकि अधिकांश जो राय है वो आज यही बनी है, जो विशेषज्ञ है या बाकी जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है उनकी राय यही बनी है कि वीकेंड के कर्फ्यू से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ 2 दिन के कर्फ्यू से स्थितियां नियंत्रण में नहीं आएगी, कोरोना नियंत्रण में नहीं आएगा, इसके लिए अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही कड़ाई सख्ती रखनी होगी जिसमें जनता का सहयोग जरूरी है। तो चूंकि फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि ओपन बैठक हो जिसमें जनता के सामने सारी स्थितियां रखे और जनता के सामने बताए कि राजस्थान की क्या स्थिति है, संक्रमण किस तरफ फैल सकता है, और इसी कारण से उसके बाद कल शाम 5 बजे जो ओपन बैठक होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बैठक लेंगे उसके बाद अंतिम फैसला किया जाएगा कि कर्फ्यू
की मियाद है उसको कहाँ तक बढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमें संकेत मिले हैं, जो इनपुट मिले उसके अनुसार ये कर्फ्यू अब आगे कुछ दिनों तक बढ़ सकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन की तरफ राजस्थान है वो बढ़ रहा है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन ना होके कुछ कड़ाई के साथ जो कुछ आवश्यक सुविधाओं को छूट देते हुए इस कर्फ्यू की मियाद को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये स्थितियां नहीं रहेगी, आगे कर्फ्यू की मियाद नहीं बढ़ेगी, तो ये कोरोना नियंत्रण में आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री लेकिन चाहते हैं कि फैसला करने से पहले, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा अगर दो सप्ताह के लिए कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई जाती है, तो इस बड़े फैसले से पहले वो चाहते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल है, तमाम संगठन के लोग हैं, वो ये बात सुने, विशेषज्ञों की बात सुने। जी बिल्कुल, उन जो बिल्कुल नरेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो